हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट मोमेंट आई एम हियर न्यू टेम द टेम्ड तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से आज एक बात और कहना चाहती थी गाइस यार प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ सॉरी ओवर एक्टिव हो गई बट फिर भी यार प्लीज़ आप में से यार सेवेंटी एट परसेंट लोग अभी भी ऐसे हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार प्लीज़ कर दिया करो यार प्लीज़ 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 मैं चाह रही हूँ मेरे फाइव थाउजेंड सब्सक्राइबर्स कम्प्लीट हो जाएँ जल्द से जल्द सो प्लीज़ सपोर्ट फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि वांगजी और विंग अपने पेंट हाउस वापस आ गए थे और इधर चैन जान को भी होश आ गया था तो अगर आपने टिम्ड द अनटेम्ड का पार्ट फोर्टीन नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है आप वहाँ जा देख सकते हैं और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा तो आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं जब वांग जी और विंग साइकेट के पास से वापस आ रहे थे तो वांग जी अपनी कार एक बुक शॉप के पास रोकता है विंग ये देख के थोड़ा सा सरप्राइज था क्योंकि उसके हस्बैंड की लाइब्रेरी में ऑलरेडी बहुत सारी बुक हैं वो ये सोचकर थोड़ा सा क्यूरियस था कि क्या उसके हस्बैंड ने अपनी लाइब्रेरी की सारी बुक्स ऑलरेडी रीड कर ली हैं जो वो और बुक्स खरीद रहा है वांग जी जैसे ही उस बुक शॉप में एंटर होता है वहाँ एक यंग बॉय आता है और वो वांग जी का वेलकम करता है और उसे पूछता है कि सर मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ जी कहता है कि उसे मंगा बी बुक चाहिए वांग जी का फेस अभी भी एक्सप्रेशन था पर वो बॉय ब्लश करने लगा था वो सोचता है कि क्या इस तरह का सीरियस मैन भी बी बुक्स रीड करता होगा क्योंकि आज तक उसने सिर्फ गर्ल्स को ही देखा था जो बी बुक रीड करती हैं वो बॉय वांग जी को एक सेक्टर में ले जाता है और कहता है कि सर आप यहाँ से अपने चॉइस की बुक सेलेक्ट कर सकते हैं वांग जी कुछ बुक्स चूज करता है और पे करके आ जाता है विंग ये जानने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि उसके हस्बैंड ने कौन सी बुक खरीदी है इसलिए वो पेपर बैग लेने की कोशिश करता है पर वांग जी वो पेपर बैग दूर कर देता है विंग कहता है कि वांग जी मुझे देखने तो दो तुमने कौन सी बुक खरीदी है वांग जी कहता है कि विंग हमें एक बार घर चले दो उसके बाद हम दोनों ये बुक साथ में पढ़ेंगे और एक्सपेरिमेंट भी करेंगे विंग सोचता है कि शायद उसके हस्बैंड ने जो बुक खरीदी है वो साइंटिफिक होंगी इसलिए वो इनोसेंटली अपना सर हिला देता है और कहता है ओके मैं ये बुक पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वांग जी अभी भी कार ड्राइव कर रहा था पर उसका फ़ोन रिंग करने लगता है विंग फ़ोन रिसीव करके उसे वांग जी के एयर्स के पास ले जाता है विंग को उस फोन पे बात सुनाई नहीं दे रही थी पर उसे वांगजी की बात सुनाई देती है जो कहता है कि इस काम को अभी कर दो विंग गैस करता है कि शायद ही उसका कोई वर्क होगा कुछ टाइम बाद वो दोनों घर पहुंच जाते हैं वाग जी कार से बाहर उतरता है फिर वो विंग के साइड का गेट ओपन करता है और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है विंग भी तुरंत अपने हाथ वांगजी के नेक में डाल देता है और स्माइल करता है वो ये देखकर बहुत खुश था कि उसके हस्बैंड को पता है कि उसे उसकी वाइफ की किस तरह केयर करनी है इधर झान क्लान में जान फैमिली ग्रेव से कुछ टाइम पहले ही मैंशन में वापस आए थे ओल्ड लेडी को कुछ काम था इसलिए वो बाहर गई थी मैंशन में सिर्फ मैडम जान और उनके दो बेटे थे वो तीनों लंच करने जा रहे थे पर तभी उनके डोर पर नाक होता है मैडम जान जब डोर ओपन करती हैं तो वहाँ पर तीन लोग खड़े थे मैडम जान उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती थी इसलिए वो उनसे पूछती हैं कि आप लोग कौन हैं और मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ उन तीनों में से एक आदमी कहता है कि मेरा नाम बाईजी हुआ है और मैं इस प्रॉपर्टी की ओनर से बात करना चाहता हूँ मैडम जान उस आदमी की बात सुनके थोड़ी सी नर्वस हो जाती हैं और सोचती हैं कि एक लॉयर उनके घर पे क्या कर रहा है और उसे उसके प्रॉपर्टी के ओनर से क्या काम है मैडम जान कुछ टाइम सोचने के बाद बोलती हैं कि मेरी मदर इन लॉ इस प्रॉपर्टी की ओनर हैं पर वो अभी यहाँ नहीं है अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे बता सकते हैं वो आदमी कुछ टाइम के लिए चुप रहता है फिर वो कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उसे मैडम छान को हैंडल कर देता है वो आदमी कहता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इस प्रॉपर्टी के राइटफुल ओनर आपको थ्री डेज़ का टाइम दे रहे हैं इस प्लेस को खाली करने के लिए और अगर आप थ्री डेज में भी इस प्लेस को खाली नहीं करते हैं तो हमें आप लोगों को फोर्सफुली इस प्लेस से बाहर निकालना होगा और ये कह के वो आदमी तुरंत वहाँ से चला जाता है मैडम छान जब उन डॉक्यूमेंट्स को रीड करती हैं तो उन्हें अपनी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील होने लगती हैं और वो गिरने वाली होती हैं पर उनका बेटा ली जान उन्हें पकड़ लेता है चैन जान अपने मदर के हाथ से वो डॉक्यूमेंट्स लेते हुए कहता है कि मदर वो क्रेजी मैन क्या कह रहा था मैडम जान चिल्लाते हुए कहती हैं इम्पॉसिबल इट्स इम्पॉसिबल ऐसा कैसे हो सकता है जान प्रॉपर्टी किसी और को बिलोंग कैसे कर सकती है ये इम्पॉसिबल नहीं है चैन जान जिसने ऑलरेडी वो प्रॉपर्टी पेपर रीड कर लिए थे वो कहता है कि मदर ये क्या है ये सब क्या चल रहा है ली झान भी अपने मदर को एक्सप्लेनेशन के लिए देख रहा था मैडम झान कहती हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि प्रॉपर्टी तुम्हारी ग्रांड मदर को बिलोंग करती है पर ऐसा कुछ नहीं है ये प्रॉपर्टी किसी और को बिलोंग करती है मैडम झान ने कभी भी नहीं सोचा था कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा दिन भी आएगा वो इतने टाइम से जिस हाउस और प्रॉपर्टी पर अपना क्लेम दिखा रही थी वो एक्चुअली किसी और को बिलोंग करती है चैन जान कहता है कि दगा जल्दी से एक ग्रांड मदर को कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि वो यहाँ जल्दी आए यहाँ अर्जेंट है ली जान वहाँ से अपनी ग्रांड मदर को कॉल करने के लिए चला जाता है चैन जान बहुत कन्फ्यूज था उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है उनके बिजनेस का कोई और ओनर बन चुका था और वो इंसान जान फैमिली से कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा था और अब उनकी ये प्रॉपर्टी भी किसी और को बिलोंग करती है अगर वो लोग ये घर छोड़कर चले जाएंगे तो वो लोग कहाँ रहेंगे उन लोगों के बैंक भी करप्ट हो चुके हैं और उन लोग की स्टडी भी अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई थी बिना मनी के वो लोग अपनी स्टडी कैसे कम्प्लीट करेंगे क्या ये उनके कर्म थे जो वापस लौट के आ गए हैं एक घंटे में ओल्ड लेडी वापस आ जाती हैं जब वो मैडम जान और अपने ग्रांडसन के सैड फेस देखती हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हुआ है और वो पूछती हैं कि आखिर मेरे एब्सेंस में यह क्या हुआ था ओल्ड लेडी के क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं देता बस वो लोग उस प्रॉपर्टी पेपर को ओल्ड लेडी के सामने रख देते हैं जब वो उन प्रॉपर्टी पेपर्स को पढ़ती हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उन पेपर्स को फाड़ देती हैं और कहती हैं कि मेरे साथ गेम खेलने की हिम्मत किसने की और ये प्रॉपर्टी पेपर्स किसने भेजे हैं मैडम जान कहती हैं कि मदर इन लॉ ये प्रॉपर्टी पेपर एक लॉयर बाई जि ने दिए और कोई गेम खेल रहा है इससे आपके कहने का क्या मतलब है मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है मैडम जान अब बहुत क्यूरियस थी वो बहुत टाइम डार्क में रह चुकी हैं अब वो सारी सच्चाई जानना चाहती थी ओल्ड लेडी एंकर में कहती हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है कि उस साइको को कुछ यूजलेस इन्फॉर्मेशन मिली है जिनका यूज़ करके वो मेरे साथ ये बेबी गेम खेल रहा है इस घर से मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊँगी और जब वो इतना आगे आ चुका है तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि मैं उसे सबक सिखाऊं और उसे ये बताऊं कि जो बिज़नेस उसे कंसर्न नहीं करता उसे उसमें इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिर वो अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करती हैं और कहती हैं कि मैंने इतने दिनों से तुम लोगों से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था पर अब मुझे तुम लोगों से एक बहुत छोटा काम है मैं चाहती हूँ कि तुम लोग लान फैमिली की एक लेडी को किडनेप करो मैं उसकी डिटेल्स कुछ टाइम बाद भेज दूँगी और उसे मारने से पहले तुम लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना ये कहने के बाद वो कॉल रख देती हैं और एक ईविल स्माइल करती हैं दो घंटे बाद वांगची को उसके ब्रदर सिचैन का कॉल आता है जो उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी मदर गायब हो गई हैं वो उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले जब उसकी मदर ने कहा था कि वो रेस्ट करना चाहती हैं तो सिचैन उन्हें उनके रूम में ड्रॉप करने गया था पर एक फॉक की वजह से उसका विजन ब्लरी हो गया और वो अनकॉन्शियस हो गया कुछ टाइम बाद जब उसे होश आया तब वो अपने मदर के रूम में फ्लोर पर लेटा हुआ था और उसकी मदर उस रूम में कहीं भी नहीं थी उसने अपनी मदर को पूरे मैंशन में ढूंढा और जब उन्हें कॉल लगाया तो उनका फ़ोन घर पे ही था पर उसकी मॉम के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था तो उसने वांग जी को कॉल किया वांग जी ये जानने के बाद तुरंत अपने मदर के प्लेस पे जाता है उसने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ विंग को ऑलरेडी उसके ग्रैंडफादर के प्लेस पे भेज दिया था ताकि वो सेफ रहे वाक जी अपने मदर के घर जाने के बाद सीसीटीवी फुटेज चेक करता है पर उसमें कुछ भी स्ट्रेंज नहीं दिख रहा था उसके बाद वाक जी अपनी मदर की कुछ फ्रेंड्स को कॉल करता है ताकि उसे अपनी मदर की कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके लेकिन वो लोग उसे बताती हैं कि उन लोगों ने उसकी मदर को नहीं देखा वांग जी सिचैन से कहता है कि लिटिल ब्रदर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है मैंने ऑलरेडी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है हमें कुछ टाइम बाद मदर मिल जाएंगी वो दोनों वहीं बैठकर पुलिस से किस अपडेट मिलने का वेट करने लगते हैं तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी और गाइस कल मेरा लास्ट इंटरनल है बट मैं आप लोगों से कोई प्रॉमिस नहीं करने वाली कि वीडियो का साइज़ बड़ा होगा या नहीं क्योंकि गाइस मैं जब भी प्रॉमिस करती हूँ वो हमेशा ब्रेक हो जाता है और गाइस आज कल तो मुझे कुक भी करना है और कल तो किचन की क्या ही हाल हुआ था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती आप लोगों को और गाइस आज वैलेंटाइन डे है तो हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल वॉन्गशियन लवर्स एंड फ्रेंड्स मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने वॉन्गिन जितना प्योर एंड स्वीट लव कव्यू नहीं देखा तो अगर आप लोगों ने देखा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एंड एन्जॉय योर डे बाय बाय टेक केयर